शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर को एक अमन का इलाका बनाने में उनका ही हाथ है और उसी से ये पॉसिबल होता है कि हम हर एक जगह पहुंचते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं, न्यूज़ ये है कि आपने देखा हज़ारों का मजमा यहाँ था, ये न्यूज़ है। दो आदमी मिले ना मिले, किससे मिले, कौन से मिले, ये कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या लोग आपके बात सुनने के लिए आते हैं वो न्यूज़ होती है। धोखे के बिना कुछ नहीं। हमने अल्लाह के फजल से कसद किया हुआ है कि हम अब अपने लोगों को किसी झांसे में आने नहीं देंगे। अल्ताफ बुखारी किसी भी शख्स की हिमायत नहीं करता है जो उसकी जमात में नहीं हो। जो मेरी जमात में होगा वो छोटे से छोटा वर्कर होगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूँगा। लेकिन यहाँ इस जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का कितना ही बड़ा नेता हो, हम लोग खाली अपनी जमात के ही वर्करों के पीछे पीछे चलते हैं। चोली दामन का साथ है उनका और जम्मू कश्मीर की सरकार और हिंदुस्तानी सरकार का, नहीं खुलवाइए मुंह हमसे। किसको बैन किया गया? देखिए वो इस मुल्क के होम मिनिस्टर हैं और उनको हमसे ज़्यादा ये पता होगी कि कौन लॉफुल एक्टिविटीज़ करता है, अनलॉफुल एक्टिविटी करता है। इस मुल्क का एक आईन है, मैंने ये न्यूज़ नहीं देखी, हम देखेंगे और उस पर हम बाज़ाब्ता उस पर रिएक्शन देंगे। और सच में जवाब देना नहीं चाहता। बिजली का प्रोग्राम चल रहा है सर, बिजली का लोग सफर कर रहे हैं पंजाब दिल्ली, एक ही रास्ता है कि हम अपनी बिजली के वसाइल पे पैसा खर्चाएं, पैसा लगाएं और जो हमारी अपने हों, ये नहीं कि हमें खरीदनी हर वक्त पड़े। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले साल जब सर्दियां आएंगी, एक नई हुकूमत यहाँ होगी और अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी की होगी, सर उस वक्त आप मेरे से बात कर लेना आपने कैसे हल किया इसका। देखिए मैं बताऊंगा, मुझे लगता है पहली बार ये हुआ है कि जितनी हाई लेवल पे एक्शन हुई है। आपने देखा है, हमने आज तक तो नहीं देखा किसी ब्रिगेडियर को अपने ओहदे से हटाया गया हो। कोई अफसोसनाक है, हालांकि उन वो जो शहीद हुए वो शहीद शुदा तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन फौज को बड़ा एहतियात बरतना चाहिए जब सिविलियंस के साथ डील करते हैं। सर बताया जाता है कि बात है, मैं ये बताऊं आपको, राजौरी उपकुंज में हमने देखा है वो फौज भी समझती है, सरकार भी समझती है कि निहत्ते लोग बंदूक बरदारों का सामना करें। मेरी सरकार से विनती है कि आप जो आम लोग वहाँ हैं वहाँ हथियार दीजिए उनको और फिर देखिए वो मुकाबला करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए आपको जिस तरह आप VDCs हर जगह बनाते हो वहाँ देने पड़ेंगे। अब वहाँ सरकार सोचती है नहीं जी, एक फिरके के लोग हैं होंगे उनको ही देने चाहिए। अब आपको फिरके नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा वहाँ वही अक्सर रहती है लोग हैं उनको दे दो और वो खुद ही तहफ़ करेंगे।